मुर्गी पूरी असि चरगा बना लगे हैं है? अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाजिर हैं हम नई रेसिपी के साथ। इस वीडियो में हम आपको चरगा बनाने का तरीका बताएंगे जो आप घर में भी बना सकते हैं। 1 किलो चिकन लिया है, कट लगाए हुए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, गरम मसाला, चाट मसाला, कूटी हुई मिर्च, काली मिर्च और दही की ज़रूरत पड़ेगी और सिरका। अब सिरका चिकन के ऊपर लगा देंगे, इसको अच्छी तरह लगाना है। इसको चिकन को अब 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। व्यूअर्स, हमने एक बाउल ले लिया है, अब इसमें दही डालेंगे, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, चाट मसाला, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, कूटी हुई लाल मिर्च, इस चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। ये अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिया है। व्यूअर्स, हमने एक बड़ा बोल ले लिया है, चिकन हमारा हो गया है तैयार। सिरका लगाया था अब इसको, अब इसको अच्छी तरह मसाला लगाएंगे। व्यूअर्स, हम अब चिकन को अच्छी तरह मसाला लगाएंगे, इसके अंदर तक चला जाएगा। हमने अच्छी तरह व्यूअर्स मसाला लगा लिया है, अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। व्यूअर्स, हमने चिकन को अच्छी तरह मसाला लगा लिया है, अब इसको एक कढ़ाई ले लेंगे, अब इसको स्टीम करेंगे 10 मिनट के लिए। व्यूअर्स, प्ले ऑन करेंगे, एक कढ़ाई ली है हमने, चिकन को स्टीम करेंगे अब 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मसाला है, ये चिकन के ऊपर डाल देंगे। व्यूअर्स, हम इसको अब थोड़ा सा धागा बांध देंगे अच्छी तरह स्टीम करने के लिए। व्यूअर्स, हमने चिकन डाल दिया है इसके अंदर, मसाला जो था बचा था वो इसके अंदर डाल दिया है, अब इसको 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। व्यूअर्स, हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। हो गया, कैसी खुशबू। व्यूअर्स, ये हमने स्टीम कर लिया है अच्छी तरह,
अब इसको निकालेंगे। व्यूअर्स, हमने एक कढ़ाई ली है, लेवन की है। अब इसमें 1 किलो घी डालेंगे इसके अंदर। ये घी ले लिया हमने 1 किलो। इसको घी को अब अच्छी तरह गर्म करेंगे अब 2 मिनट के लिए। व्यूअर्स, ये हमने स्टीम कर लिया था, अब इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल घी गर्म हो गया हमारा, अब इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह। दस मिनट एक साइड, 10 मिनट दूसरी साइड, इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। व्यूअर, 10 मिनट हो चुके हैं, और इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज कर दी है हमने, अब 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। व्यूअर्स, हमारे 20 मिनट हो चुके हैं, ये मुकम्मल तौर पे फ्राई हो चुका है। इसको अच्छी इसको निकाल लेंगे। ये अच्छी तरह फ्राई हो चुका है हमारा स्टीम। ये अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, अब इसको बर्तन में निकाल लेंगे। व्यूअर्स, ये हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। ये बहुत ही अच्छा बना है, आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं। घर में भी बनाएं और बच्चों को भी बना के दें। हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है इसको, ये बहुत ही आसान है। व्यूअर्स, हमारी आपको वीडियो पसंद आए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे YouTube चैनल फ्रेंड्स फूड पांडा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
ਕਿੱਦਾਂ ਬਈ ਸਹੀ ਬਣਾ ਬਣਾ ਯਾਰ ਆਲਾ।